ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां दोस्त ने की दोस्त की हत्या। आगे बात करेंगे जशपुर की, जहां 24 साल से गुम हुई लड़की को सकुशल बरामद किया गया। वहीं चर्चा होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया तहसील परिसर में चल रहा रिश्वत का खेल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में दोस्त ने 2 लाख रुपए उधार के मांगने पर धनोरा गंगा में धक्का देकर दोस्त की हत्या कर दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा किया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के धनोरा के रहने वाले जयप्रकाश गौड़ व अभिषेक शर्मा दोनों आपस में परम मित्र थे। काफी समय पहले अभिषेक शर्मा ने अपने दोस्त जयप्रकाश गौड़ से 2 लाख रुपए लिए, किसी काम के लिए उधार लिए थे। काफी समय बीतने के बाद जब जयप्रकाश गौड़ ने अपने पैसे मांगे तो अभिषेक शर्मा ने पैसे देने का समय दे दिया। 24 अप्रैल को अभिषेक शर्मा ने जयप्रकाश गौड़ को फोन कर अपने पास बुलाया। इसके बाद दोनों चांदपुर गए और वियर लेकर वापस धनौरा गंगा किनारे आकर वियर पीने लगे। जब जयप्रकाश गौड़ को नशा हो गया तो अभिषेक शर्मा ने अपने दोस्त को गंगा में धक्का दे दिया, जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। 7 दिन बाद गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम में जयप्रकाश गौड़ का शव मिला तो पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और आज उस घटना को लेकर खुलासा कर दिया गया है। और क्या सा इसका खुलासा किया है? ये एक नहर में हमारे यहाँ एक मृतक का शव मिला था, जिनका नाम जयप्रकाश गौड़ था, जो टाटा स्टील में नौकरी करते थे। इनका शव मिला था, इसके बाद इनका PM कराया गया था और एक ही बहुत ही खुफिया तरीके से और एक सातिराना अंदाज से एक घटना को दिखाते हुए और मृत्यु कारित की गई थी, हत्या की गई थी। इसका पुलिस ने एक सफल अनावरण किया है। पुलिस का एक ग्राउंड वर्क और एक अच्छे निशादेही और साक्ष्यों को संकलन की एक अच्छी कार्रवाई का नमूना है ये विवेचना। इसमें हमारी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर क्राइम, SOG प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, इनका सहयोग रहा और एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट और एक न्याय के रास्ते पे लाकर इस अभियुक्त को पकड़ा गया है, जिसका नाम अभिषेक शर्मा है। क्या वजह है, क्या हत्या की वजह? ये अभिषेक शर्मा और जो जयप्रकाश गौड़ है, ये आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं और इनमें पैसे का उधारी के कारण से एक संबंध था। और जो अभिषेक शर्मा है ये कुछ करता नहीं था और जयप्रकाश गौड़ एक नौकरीशुदा, एक अच्छी नौकरी कंपनी में टाटा स्टील में काम करने वाला था। इससे इसने लगभग 2 लाख रुपए तक उधार ले लिए थे। अब उस उधार को चुकाना पड़े और इसके तकादे भी मृतक ने कई बार किए थे। इस कारण से इसने एक सातिराना अंदाज से कि नदी में डुबाकर धक्का देकर मृत्यु कारित की और इसको एक घटना के रूप में प्रसारित कर दिया, करवा दिया गया। और इसमें फिर जब पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने तफ्तीश की, परिवार वालों ने भी इस पे शक जाहिर किया, तो इसमें एक पूरा एक SOP निकल गया है, घटना का पूरा विवरण निकल गया है, जिसमें कि इसकी फोन की जो सर्च हिस्ट्री है उसमें कैसे बिना हथियार के किसी को मारा जाए, कैसे परमानेंट सर्च हिस्ट्री को डिलीट किया जाए, व्हाट्सएप चैट कैसे दिया जाए और घटना को, मृतक को दुर्घटना कैसे बनाया जाए, इस तरह की चैटिंग मिली। और फिर उसके बाद इसका एक बालिया बयान और CCTV फुटेज, इन सब से इसकी निशादेही पर मृतक की मोटरसाइकिल बरामद होना नहर के अंदर से, इन सभी साक्ष्यों के आधार पर एक सफल अनावरण करते हुए अभी तो गिरफ्तार किया। क्या टीम को सर को इनाम दिया जाएगा? जी हाँ, इसमें कप्तान साहब द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी टीम को दिया गया है। और इसमें जो एक न्याय, क्योंकि टाटा स्टील में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे, तो एक हाई प्रोफाइल मैटर भी था जिसका सफल अनावरण आज धनौरा पुलिस और सर्विलांस टीम प्रोवाइड। आपस में कुछ रिलेशन भी था इनका? इनका बताया गया कि दोस्त थे और इनका आपस में पैसे का लेन देन, क्योंकि कहते हैं जो जयप्रकाश गौड़ जो मृतक थे वो एक अच्छी नौकरी करते थे और अभिषेक शर्मा कोई ऐसा कार्य नहीं करता था, इनके पैसे का 2 लाख रुपए तक का देनदारी थी। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। चूल्हा पानी के टीना खलको के द्वारा बच्चे की देखभाल करने के लिए सन 1999 से 2002 के मध्य दिल्ली लेकर गई, जो आज दिनांक तक नहीं आई, ना ही उसका पता चल रहा है। आवेदक के आवेदन पत्र पर टीना खलको के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस के सहयोग एवं प्रयास से दिनांक 20 मई 2024 को प्रार्थी अपनी पुत्री पीड़िता को अपने रिश्तेदार के साथ थाना लेकर पेश किया। मेरा नाम मंजू चौहान है, मैं दिल्ली चली गई थी। किस गांव के रहने वाली थी? गांव सिंदरी मुंडा मोहवा टोली की। तो दिल्ली में आप क्या करती थी? मैं बेबी सीटर थी, बेबी का ख्याल रखती थी। कौन ले गया था? मेरी बुआ।
कितने साल बाद जसपुर पहुंची हो? 20 साल बाद। कैसा महसूस हो रहा है जसपुर आके? काफी डिफरेंस और अच्छा है। इतने सालों तक आप क्यों नहीं आ पाई, क्या कारण रहा? पहली वजह तो मेरे पापा की शराब थी, और दूसरी वजह मुझे याद ही नहीं था कि मैं कौन कैसे आ सकती हूँ, कहाँ उतरूँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे गांव का नाम ही याद नहीं था। बस इतना ही याद था कि महुआ टोली का है, पर पूरा नाम याद नहीं था, इसलिए नहीं आ पाई। आप अपने घर वालों से मिली, जसपुर पुलिस की अभियान के तहत आप भी आज मिल गई, तो जसपुर पुलिस के लिए क्या मैसेज देंगे आप? थैंक यू, हाथ जोड़ कर थैंक यू कहना चाहूँगी। जसपुर पुलिस लगातार एक अभियान पे काम कर रही है कि इस तरीके के जो गुम इंसान हैं या 363 के तहत जो अपराध कायम है उसको एक विशेष अभियान के तहत हम लोग केस दर केस उसके निकाल में जो अभियान चल रहा है उसके तहत ये बच्ची 20 साल बाद अपने गांव आई, और उसमें हमारे नारायणपुर थाने की पुलिस का विशेष योगदान रहा। और इसकी कहानी थोड़ा डिफरेंट तरीके की है, क्योंकि ये इसके पिता के द्वारा शराब पीने के आदि, ऐसा इसने अपने बयान में बताया है। लेकिन हम लोगों ने इसे ढूंढ निकाला, और ढूंढ निकालने के बाद आगे की जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित सुप्रसिद्ध हनुमान टेकड़ी के संचालक एवं कर्ता धर्ता स्वर्गीय रमेश बजाज काका के बेहद करीबी हिमाचल प्रदेश से पंचगई आश्रम के सन्यासी प्रभात महाराज जी का 1.5 साल बाद आगमन हुआ। इनको तनिक भी जानकारी नहीं थी कि स्वर्गीय रमेश बजाज स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनके बेटे विवेक बजाज ने उन्हें बताया कि इसी बात दुख जताते हुए प्रभात जी महाराज यहां हनुमान टेकड़ी मंदिर में 3 दिवसीय व्रत संकल्प किया। आपको बता दें कि प्रभात महाराज जी का ये विशेष संकल्प साधना हनुमान टेकड़ी के संस्थापक स्वर्गीय रमेश बजाज काका की पुण्य स्मृति में गुणवत्ता युक्त एवं जीवन उपयोगी शिक्षा, आरोग्य तथा आध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आरंभ किया है। उक्त सन्यासी भारतीय गुरुकुल परिवार से जुड़े हुए हैं। इनका ये 3 दिवसीय विशेष उपवास संकल्प साधना का समापन मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे कुनकुरी के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान विशेष चर्चा में सन्यासी प्रभात जी महाराज ने बताया कि अभी की शिक्षा व्यवस्था जानो मत मानो के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि क्वालिटी एजुकेशन की पहली शर्त ही यही होती है कि पहले अच्छी तरह जानो फिर मानो। उन्होंने कहा कि मंगलवार दोपहर उपवास साधना के समापन पर वे शिक्षा, आरोग्य, अध्यात्म पर कुछ विशेष प्रोजेक्ट को कुनकुरी क्षेत्र में लॉन्च करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर विवेक बजाज के साथ विष्णु सोनी, भोला गुप्ता, बिहारी जी समेत अन्य सभी लोग शामिल हुए। हनुमान टेकड़ी कुनकुरी में प्रभात महाराज जी जो हमारे पिताजी के बहुत ही करीबी थे, और हमारे पिताजी के साथ में विगत 10 वर्षों से वो हिंदू धर्म को लेकर के हमेशा साथ में अगल बगल हर गांव में दौरा करते थे अपने हिंदू धर्म के लोगों को जगाने के लिए। उनके द्वारा पिताजी के को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने 3 दिन का हनुमान टेकड़ी में उपवास रखा। शनिवार सुबह से उन्होंने उपवास रखा था, वहीं उनका रहना होता था, और 3 दिन बाद मंगलवार को दोपहर में उन्होंने अपना उपवास जूस पी करके तोड़ा। क्या उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि पापा के जाने के बाद में वो एक बार भी कुनकुरी नहीं आ पाए थे, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने 3 दिन का उपवास किया, साथ साथ में शिक्षा, आरोग्य और अध्यात्म को लेकर के लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये उपवास रखा था। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पटवारी के पास से नगद जब्त कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। जानकारी के अनुसार आवेदक न्यूटन निवासी गुलफाम अंसारी को पापती बनवाना था, जिसके एवज में पटवारी कमल गाड़ीवाल ने 10,000 की मांग की थी। इस बात से परेशान आवेदक ने जबलपुर लोकायुक्त में लिखित शिकायत की थी। लोकायुक्त ने मामले की जांच करते हुए आज परासिया तहसील परिसर में पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। रिश्वत में लिए गए नोट के बाद पटवारी के हाथ धुलाए गए, जिससे पानी का रंग गुलाबी हो गया। गुलफाम अंसारी निवासी होटल ने उनकी बहन के नाम से एक जमीन प्लॉट खरीदा था 2000 उसकी ऋण पुस्तिका बननी थी।
इसके संबंध में संबंधित पटवारी से मुलाकात की तो उनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक के संजय साहू साहब के सामने की गई। उनकी शिकायत पर सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत आज दिनांक संबंधित मुल्का पटवारी कमल घड़ेवाल 7,000 रुपये रिश्वत लेते ICICI बैंक के सामने फरासे में पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ज़मीन खरीदा था, उसकी पावती बनवाने के लिए कमल गड़ेवाल पटवारी साहब के पास 3 महीने से चक्कर लगा रहा था। आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, और मेरे से पैसे की मांग कर रहे थे, तो आज उनको मैंने 7,000 रुपये दिया और उनको लोकायुक्त टीम जबलपुर ने पकड़ी। मतलब मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिए थे कि काम नहीं कर रहे थे, मतलब पैसे 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 पैसे, और उसके सिवा काम कभी होते नहीं था उनसे। बस यही है बात। कितने रुपये मांगे थे आपसे? हमने 10,000 रुपये मांगे थे मेरे से। कितने दिनों से मामला लटका हुआ था? लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने पहले मैंने अपनी मतलब रजिस्ट्री की फोटो कापी उनको दे दिया था और आवेदन, उसके बाद अभी तक मतलब पावती भी बनाई नहीं। कहाँ पैसे दिए आज आपने? आज मैंने ICICI बैंक पर आशी में पैसे दिया। तो आपको वहीं उन्होंने मिलने बुलाया? हाँ, वहीं बुलाया। परासिया से सीनियर संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।